आज मैं आपको राई के फ़ायदों के बारे में बताऊंगा। राई वैसे तो आपके घरों में इस्तेमाल होती है, इसका छोंक भी लगता है, चार वगैरह में भी डलता है, लेकिन राई के आपने कभी इतने फ़ायदों के बारे में नहीं सुना होगा। मैं इसके फ़ायदों के बारे में बताऊंगा तो आप भी आश्चर्य करेंगे। राई बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल गुण इसके अंदर पाई जाता है। अगर कहीं आपके चोट लगी हुई है या घाव है या कुछ कांटा चुभ गया है, कट गया है, तो आप राई को पीस कर शहद में मिलाकर उसका लेप कर लें तो उससे जख्म बहुत जल्दी भर जाता है और मवाद वगैरह उसमें नहीं पड़ती है। अगर राई के अंदर स्किन तो के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अंदर दो गुण हैं जो माइरोसिन और सीनीग्रेन जैसे तत्व जो हैं इसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये दोनों ही तत्व जो हैं, एक तो त्वचा में मॉइस्चराइजर की कमी जो हो जाती है उसको बनाए रखते हैं जिससे त्वचा नमी रहती है और चमकती रहती है। दूसरी, अगर डेली इसके पानी से, राई के पानी से राई को रात को भिगो दें और सुबह इसके पानी से अगर आप चेहरा धोएं तो आपके चेहरे की रंगत इससे निखरती है। तीसरा है, इसके अंदर गुण जो है बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके बाल बहुत अधिक गिर रहे हैं और डैंड्रफ की आप प्रॉब्लम से परेशान हैं तो राई का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप चाहें तो राई को रात भर भिगो कर उसके पानी से सिर धो सकते हैं। इसके अलावा पीस कर भी इसका आप अपने सिर में लगा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको जोड़ों में दर्द की शिकायत है तो राई का इस्तेमाल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। रोज़ाना राई के लेप से जोड़ों की मसाज करने से जोड़ों के दर्द में फ़ायदा होता है। आप चाहें तो उसमें थोड़ा कपूर भी पीस कर मिला सकते हैं और उससे आप अपनी मालिश करेंगे जोड़ों की या घुटनों की, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको यह छोटा सा मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे आने वाले न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।